ॐ नमो गुरुदेव जी सबका सृजन ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तस्मस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमाम्यं ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अनंत ब्राह्मण्ड की रचयिता, सृष्टि के पालन करता, घट घट में रहने वाले परब्रह्म परमात्मा को सत सत नमन। आराध्य श्री गुरुदेव के शुभ चरण कमलों में कौटि कौटि साष्टांग दंडवत। धर्म प्रेमी सजनों, माताएं बहनें, बाल गोपाल, सभी को पूज्य श्री गुरुदेव का आशीर्वाद। श्री दीप नारायण भगवान की, देवादिदेव देवेश्वर महादेव की, धर्म सम्राट सतगुरु श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की, भारत माता की। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, शुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होय। ये तुलसीदास जी महाराज के बुखार बिंद से जो रामायण में लिखा है सत्य है। इस भयंकर कलयुग के अंदर अब धीरे धीरे संत भी लुप्त हो रहे हैं, सत्संग भी लुप्त हो रही है, और सत्संग है तो आज कोई ड्रामा हो गया, नहीं तो सत्संग हमारे महापुरुषों ने कहा है कि जो सत्य का संग करता है वो ही सत्संग है। आप सभी सत्संग हैं। पंजाब में कहते हैं कि सब सत्संग आ गया क्या, सब सत्संग है। हम कहते हैं सत्संगी है जो सत्य का संग करता है। सत्संग जहां महापुरुषों के मुखारबंद से कहे गए अमृत वाणी सुनने को आती है, तो अज्ञान रूपी अहंकार और अंधकार दोनों ही लुप्त हो जाते हैं। अभी करीब करीब घंटा डेढ़ दो घंटा कितना सुंदर मधुर वाणी से, मधुर कंठ से महापुरुषों के भजनों का हम आनंद ले रहे थे। मैं सोच रहा था बैठे बैठे कि आपको क्या बताऊं। उदाहरण कि दो घंटे तक हम सभी का मन कहाँ था, न पैसों के अंदर, न कोई
नौकरी सर्विस के अंदर, न पढ़ाई के अंदर, न गृहस्त का जो सुख दुख है वो, हम सभी का मन एकत्रित हो गया था। बस यही योग है। जब भक्ति योग, भक्ति योग आसान है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर होइ भव पारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम का ही आधार है। भक्ति योग सुगम है, फिर भी अगर भक्ति के अंदर स्वार्थपना है तो भगवान देंगे तो सही, क्योंकि भक्ति भी दो प्रकार की होती है। वो होती है भक्ति जो स्वार्थ के रूप में और निस्वार्थ के रूप में। करीब करीब सभी लोग मंदिर में जाते हैं या घर पे आरती करते हैं तो जाते हैं, भगवान मारे लड़का रे नौकरी लाग जाए, तो भगवान कहते पहले तू प्रणाम तो कर, पहले जाके नौकरी चालू कर दे। हे भगवान मारा बच्चा पढ़ने ठीक हो जाए, हे प्रभु मारा व्यापार हो जाए, तो भगवान कहते तू कभी न कभी निस्वार्थ से प्रणाम तो कर। इसीलिए भक्ति करते हैं लेकिन वो सीमित रूप से सुख मिल जाता है। लेकिन इसीलिए भगवान से गुरुदेव से प्रार्थना करें तो कोई इच्छा मत रखो, क्योंकि भगवान को पता है कि इसको क्या चाहिए। और हम बार बार कहें हमें दीजिए हमें दीजिए, तो भगवान भी कहते भाई क्या तुम बार बार भीख मांग रहा है। एक छोटा सा चुटकला, दो एक तो भगवान को खूब याद करता था और एक भगवान को कभी शाम सुबह 5 मिनट याद करता था। दोनों की मृत्यु हो गई और वो गए तो स्वर्ग के द्वार पे आए। रात को 12 बजे स्वर्ग के द्वार का खटखटाया तो द्वारपाल आके देखता है कि कौन है ये लोग। तो भगवान के पास गए कि भगवान ये दो आए हैं, अब किसको स्वर्ग में भेजें किसको नरक में भेजें, कि भाई कौन कौन है। कि बाप जी एक तो आड़ो भगत है कि रात दिन आपने याद करे और ये कणे कणे करे कभी कभी। तो भगवान कहते जो कभी कभी करता है इनको लिया स्वर्ग में, और वो रात दिन मैंने याद करे नहीं मेरे को सोने नहीं देता है वे जिसको नरक में। और वो करता है मुझे याद स्वार्थ के कारण, स्वार्थ के कारण। तो भाव नफा भाव में है, वस्तु में नहीं। अगर आज सोना 1,00,000 रुपया किलो है और कल जाकर के 25,00,000 रुपये किलो हो जाएगा तो सोना तो रत्ती भर भी नहीं बढ़ा, भाव बढ़ गया, तो 24 लाख का लाभ हुआ कि नहीं। वो 1,00,000 रुपया किलो सोना है कल जाकर के 10,000 का हो जाएगा। सोना तो घटा नहीं वो का वो है, लेकिन भाव घट गया। उसी प्रकार गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, माता पिता के प्रति, पति पत्नी के प्रति, पत्नी पति के प्रति, ये
संतान माता पिता के प्रति जैसी भाव ना उसके अंदर होगी वैसा ही लाभ उनको मिलेगा। तो भाव ही महान है, नफा या कम उस भाव के अंदर ही है। भगवान का नाम, तो नाम स्मरण करने से गुरु नानक साहब भी कहते हैं कि अरे अब तेरी इतनी उम्र तो गई, वो तो वापस नहीं आएगी, अब जो रह गई उसका तो सदुपयोग कर। सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। अरे आज तक तो तेरी उम्र ऐसे चली गई, अब जो कुछ है उसको तो तू संभाल लेके आ। तो विश्वास नहीं है, विश्वास हमारे ग्रंथों के अंदर विश्वास नहीं रहा है। देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर जितने ग्रंथ लिखे गए हैं, जितने ग्रंथ अभी हैं, उसको कोई पढ़ने वाला नहीं है। अब दूसरी जगह रिसर्च करते हो शोध कर रहे हो, वो रिसर्च में कुछ नहीं है। हमारे ग्रंथों में सब कुछ लिखा हुआ है। जब वो मुगल आए थे और जो हमारी जो सबसे पहला विश्वविद्यालय थी, कहाँ थी वो? सबसे पहला विश्वविद्यालय कहाँ था? उस विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में इतने ग्रंथ थे, कितने महीनों तक उसको जलाया तब वो सभी को खत्म कर पाए जाए, कितने महीनों तक। तो भारत में ज्ञान की कमी नहीं थी, नहीं है और नहीं रहेगा। और भारतीय के खून की बूंद बूंद के अंदर वो ज्ञान भरा हुआ है, उस ग्रंथों के अंदर रखा हुआ है, कुछ तो लुप्त हो गए, श्रद्धा नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब लिखा गया है और लास्ट में गुरु नानक जी लिखते हैं इस ग्रंथ को तुम ऐसे ही गुरुदेव की किताब मत मानो, गुरु ग्रंथ को जानिए, प्रगट गुरुओं की दे, जिसके हृदय साच है खोज उसी में दे। गुरुदेव की किताब चाहे भजन की हो, कविता की हो या लिखा हुआ हो, उसको किताब मत मानो, वो गुरुदेव स्वयं ही है। गुरु ग्रंथ को जानिए। अब बस आज से गुरु ग्रंथ जो है ये ही गुरु है, क्योंकि गुरु वाक्य है। गुरु वाक्य जो है इसी में तुम्हारा आत्म साक्षात्कार हो सकता है, इसीलिए गुरु कृपा ही केवलम। तो अभी भजन सुनते सुनते सभी को आनंद आ रहा था, दुनिया का संसार का झंझट सब चला गया था। योग जो है ये तो ऋषि मुनियों को रचा हुआ है, स्वयंभू शिव अनंत अनंत ब्रह्मांड के अंदर, अनंत अंधेरा ही अंधेरा, शून्य आकाश, कुछ भी नहीं। उस समय वो जो परब्रह्म कहलाते हैं, वो जो चेतना व सुषुप्त अवस्था में है, उनके जागृत के अंदर में कहा गया कि एको हम बहु श्यामी, मैं एक हूं अब अनेक में प्रकट हो जाऊंगा। के युग युग तक चलने लग गए उसमें। वो स्पूर्णा जिसको कहा है कि ओम, वो ओम
ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यधायन्ति योगिना काम दम मोक्षदम चेव ओमकाराय नमो नमः। तो उस समय उस अनंत के अंदर ओम की आवाज हुई जिसको वेद कहते हैं नाद रूप परब्रह्म। उस नाद के अंदर ही परब्रह्म है। भगवान को देखना हो, भगवान को समझना हो, तो उस नाद के अंदर, उस कंठ के अंदर में, हमारे यहाँ अच्छे अच्छे गायक बैठे हैं, कलाकार कहते हैं आजकल, कितना सुंदर इसका कंठ के अंदर सरस्वती माता बैठी है, कंठ कमल के अंदर। और जो ये वाद्य यंत्र जो इन्होंने इसका प्रयोग किया है, कितना सुंदर। मारा हाथ में तो दे तो बजावे तो क्या कहेंगे, बाबूजी हमें प्रवचन करो नहीं, रेवा दो रावणियों। क्योंकि जो गुरु होता है वो ही उस चीज को जागृत कर सकता है। बहुत सुंदर बांसुरी है लेकिन उस बांसुरी को बजाने वाला गुरु नहीं है। बहुत सुंदर सितार है लेकिन सितार बजाने वाला नहीं है। तो जो सतगुरु है वो ही सुषुप्त शक्ति जो शिष्य के अंदर है उसको जागृत कर सकता है। और उसके संकल्प से सब कुछ मिलता है, अन धन सब कुछ। भगवान दीप नारायण महाप्रभु जी कहते हैं सब कुछ देवे दाता, सब कुछ देवे दाता दीप दया, जन्म जन्म दारिद्र मेटे, जन्म जन्म। महाधन देत विसा, महाधन देत विसा, सब कुछ देवे दीप दया, सब कुछ देवे गुरुदेव। सब कुछ देते हैं, जन्म जन्म का दारिद्र मेटे। गरीब और दारिद्र में बहुत फर्क है। गरीब हो जाए तो कोई बात नहीं, भगवान किसी को दारिद्र मत करना। वो दारिद्रता जो है सबसे सबसे बड़ा दुख है, दारिद्रता। एक तरफ तो लक्ष्मी जी हैं, एक तरफ दारिद्र है। तो दारिद्र का नाम लेना ही हमारे लिए दुर्भाग्य हो जाता है। तो उसी अनंत के अंदर नाद होती है, नाद ओमकार। ओमकार से फिर एक स्पुरणा होती है, पूरा ब्रह्मांड जैसे भूकंप होता है ऐसा उसके अंदर में इतना वो वाइब्रेशन हो जाता है। और उसी वाइब्रेशन के अंदर फिर अग्नि जागृत होती है, ज्योति। और वह ज्योति जो है वही शिव है। और उस ज्योति के अंदर से फिर शिव प्रकट होता है जिसको कहते हैं स्वयंभू। जितने भी अवतार हुए हैं उनके माता पिता थे, और उसको हम कहते हैं कि मानव का बनाया हुआ धर्म, मैन मेड रिलीजन। लेकिन सनातन धर्म जो है, जो भगवान शिव ने दिया है, वो जो है मैन मेड रिलीजन नहीं है, वो आदि अनादि का सनातन धर्म है। वो सभी धर्मों का अंश उसी के अंदर में है। वही शिव मेडिटेशन के अंदर प्रकट होते हैं।
वो योग उसी समय से चालू होता है, तो योग से ही आव्यक्ति योग्य बनता है, निरोग बनता है, हर प्रकार से सुख बनता है। तो योग, जब भगवान कृष्ण चले गए तो गोपियां उद्धव जी को कहती हैं कि हाय उद्धव, हमें बता दो योग से क्या वियोग कम है। योगियों की मन में कुटिया और वियोगियों के हृदय बसत है, हाय उद्धव हमें बता दो योग से क्या वियोग कम है। जब योग होता है तो एक हो जाता है, और तुम्हारा प्रेमी कहीं चला जाता है तो तुम भी एक हो जाते हो। योगियों की कुटिया तो वन में वो तपस्या कर रहे हैं, लेकिन जो वियोगी जो है उनका जो प्रेमी चला गया, माता हो, मदर हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी, तो वो उनकी एकता यहाँ हो जाती है। वो उसको भी वो विरह की अग्नि में जलता है। विरह सबसे बड़ी अग्नि विरह अग्नि है। तो भगवान की परम कृपा है भारत के ऊपर। और ये कहा है हमारे महामंडलेश्वर जसराज जी ने कि बाहर के लोगों ने, बाहर के देशों के लोगों ने ये भ्रमणा पैदा कर दी कि हिंदुस्तान गरीब है। क्या आपने अपने दरवाजे के सामने, आपके मोहल्ले में, आपके कई गली में किसी मानव को देखा जो बिल्कुल खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मर रहा है? मैंने तो भाई इतना बरस में हिंदुस्तान में किसी को नहीं देखा कि वो रोटी रोटी करते करते मर गया और हम लोग देख रहे हैं। क्या आपने देखा कभी? तो जो हिंदुस्तान को गरीब कहता है, उनके दो कानों के बीच में कुछ है ही नहीं। आज तुम किसी को गरीब कहते हो और उनके बच्चे लड़का लड़की की शादी करते हैं, पता नहीं पैसे कहाँ से आ जाता, कितनी सुंदर शादी होती है, अरे वाह, सैकड़ों लोगों का भोजन बनता है। और विदेश वाले तो शादी करावे, 10 लोगों ने बुलावे, जब उनके बैंक का खाता खाली हो जाए, चाहे अमेरिका हो, अमेरिका के सब भी बड़े बड़े शहरों में हजारों लोग कचरा पेटी में से कुछ ढूंढ रहे खाने के लिए। ये सत्य कह रहा हूं। अभी देखिए कि ऐसे देश यूरोप के अंदर हैं कि वो शनि और रवि दो दिन उनको बच्चों को खाना नहीं मिलता है, क्योंकि सोमवार को स्कूल में जाएंगे तब उनको खाना मिलेगा। लेकिन ये भारत का नाम गरीबी क्यों दे दिया, भूख मरा क्यों दे दिया, बीमारियों का घर क्यों दे दिया, नाम दे दिया, और जिसके हृदय में दया नहीं है, ये किसने दिया? ये तो कोई ऐसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारे हिंदू धर्म का कोई दुश्मन है, उसने यहां से देख करके जा करके वहां से पैसे लेने के लिए, उनके धर्म को यहाँ फैलाने के लिए ऐसे जा जा करके वहां उन्होंने अखबारों में लिखा है। क्या 46 बरस हो गए, और 46-47 बार पृथ्वी की परिक्रमा करी, अरे भाई मैं वहां पापड़ बटने के लिए नहीं गया, मैं उनको ज्ञान देने के लिए गया, और उसकी उनके विचारों के अंदर जो भ्रमणा है उसको मिटाने के लिए गया, क्योंकि भारत में सब कुछ है, भारत ने दिया ही दिया है, लिया किसी से भी नहीं आज तक। लोग कहते हैं महाराज आप विदेश जाते हो पैसा ज्यादा मिलता होगा। मैंने कहा हाँ भाई, अगर मैं झूठ साच करके वहां से पैसे लाता तो एक दो बार जाता, फिर ज्यादा नहीं।
ऐसे कुछ लोग हैं पैसे लेने को जाते हैं, मैंने आज तक वहां किसी को पैसे के लिए हाथ नहीं फेरा आगे और न कहा कि रसीद काटो ये करो, कुछ भी नहीं। वहां पर कहता हूं मैं देने के लिए आया हूं, लेने के लिए नहीं आया हूं। भारत माता माँ हमेशा देती है, वो हाथ आगे ऐसा सामने हाथ देने के लिए करती है, वो लेने के लिए नहीं करती है। इसलिए हमारी भारत माता कभी भी दूसरे देशों से भीख नहीं मांगेगी। भगवान ने अवतार लिया तो भारत के अंदर, धर्म की परंपरा चली तो भारत के अंदर, ग्रंथ ऋषि मुनि ज्ञान और सब कुछ जो है हमारे इस देश के अंदर से हुआ है, बाहर से कहीं से नहीं आया है और न उनके पास है। इसीलिए कहा गुरुदेव ने, वंदो भारत वर्ष भूमि जहां सतगुरु दर्शन होए, आत्म ज्ञान यहीं मिले और देश नहीं कोई। ऋषि मुनि सभी संत जन करे भारत की आस, भारत बिन मिलता नहीं आत्म ब्रह्म प्रकाश। श्री पूज्य भगवान दीप नारायण दीना ब्रह्म उपदेश, माधवानंद जी आनंद भया और पाया भारत देश। बोल भारत माता की। इसलिए सज्जनों हमारे पास में सब कुछ है, हम गरीब नहीं हैं, हम अमीर हैं। और वो अमीर हैं, अरे वो अमीर शायद कबीरदास जी का भजन है, उनका एक भजन है बहुत, क्या भजन वो कैसा कहा गया है कि मौज फकीरी में जो है, मौज फकीरी में वो नहीं है, है अमीरी में है। और पूरा भजन जो है वो अलग में भूल गया थोड़ा, दूर खाए अक्कल अमीरों की, वाबारे मौज फकीरों की। कभी एक सोए मंदिर माड़िया और कभी एक नदी के किनारे, ऐसा करके है भजन में थोड़ा भूल गया भाई। वाबा रे मौज फकीरों की, दूर खाए अकल अमीरों की। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उसके पास में क्या है और क्या नहीं है। छोटा सा दृष्टांत, एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया। भगवान शिव और पार्वती की एक कहानी है कि पार्वती जी और भगवान शिव दोनों ही जा रहे थे, छोटे से गांव के पास होकर के निकल रहे रात को 12 बजे या 1 बजे, ठंडी हवा चल रही खूब और पानी के फुहारे, बारिश हो रही है बहुत ठंडी, तो देखा कि कहीं आग लग रही है। तो शिवजी और पार्वती जी उधर से निकल रहे हैं तो पार्वती जी कहती है कि यहाँ वो आग प्रज्वलित है क्या, चलो देखो। तो दूर से जा रहे देखा कि एक योगी बैठा है और वहां आग पे रोटी सेक रहा है। तो पार्वती जी कहे कि ये तो शमशान है, यहाँ किसी की चिता को जलाया है, वो चिता अग्नि है। तो भगवान शिव ने कहा कि इनकी मर्जी है चलो। पार्वती जी कहते कि नहीं नहीं नहीं, प्रभु प्रभु आप कृपा कीजिए दयालु भोलेनाथ, ये क्या आपकी माया है, अरे जो आपको कभी स्वप्न में भी याद नहीं करने वाले ऐसे ऐसे लोग जो हैं, एयर कंडीशन कमरों के अंदर पड़े हैं, शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कितना उनके पास धन है, सब साधना दे दी उनको और ये आपका भक्त, इनको रोटी बनाने का भी कोई साधन नहीं दिया आपने।
क्या इतना दुख है इनको बिचारे को कि मरी हुई लाश को जलाया उस अग्नि पे रोटी सेक रहा है. कुछ देवो ना इनको भी. भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती जी आप चलो यहां से. कि नहीं जाऊंगी, पहले इनको कुछ दो. भगवान शिव कहते हैं पार्वती जी मैं तो दे सकता हूं लेकिन ये नहीं ले गया, ये नहीं लेंगे. वो कहती है कि ऐसा कौन अभागी होगा जो जिसको आप स्वयं शिव स्वयं उनको दे रहे और नहीं देंगे. आप जाके दीजिए मैं देखती हूं. खैर वही कभी महिला का हट भी तो होता ना, वो कहानी की राजयो राजहट योग हट बाल हट और त्रिया हट. तो भगवान शिव कहते कि देवी आप इस झाड़ के पीछे खड़ी हो जाओ, मैं जाता हूं इनको कुछ देने के लिए, आप आना मत और आप गुस्सा मत करना. वो योगी अपने रोटी बड़ी रोटी जाड़ी रोटी बनाई थी हनुमान जी का रोट कहते हैं क्या कहते हैं, वो रोटी सेक रहा है मस्त है. एक चदरौड़ी हुई है बस लुगी. भगवान शिव सामने जाके खड़े हो गए, वो तो देखता ही नहीं है. शिव जी क्या करते वो तो बिल्कुल अपनी दृष्टि को इधर उधर नहीं देखता है. शिव जी करते नमः शिवाय, तो भी वो तो कुछ नहीं करता है. शिव जी कहते भक्त वो ऊपर नहीं देख रहा है, वो तो कि मेरी रोटी जल नहीं जाए, उनकी लगन उसी में. मोये लागी लगन गुरु चरणो, मोये लागी लगन गुरु चरण बिना मोये कसो पावे जग माया सब सपनन. चरण बिना पे जग माया सब सपनन की मोये लागी लगन चरणन की मोये लागी लगन. मीराबाई की मीराबाई संपूर्ण ब्राह्मण की धड़कन है. मेरा तो मेरा ही थी. भगवान शिव फिर करते हैं तो वो योगी कहता कौन हो, तो भगवान शिव कहते स्वयंभू शिव. तो वो योगी कहता यहां क्यों आए, अबे कोई करे शंकर भगवान खड़ा है. वो कहता यहां क्यों आए, तो भगवान शिव कहते हैं कि मैं कुछ देने के लिए आया हूं. तो वो योगी कहता मैंने कब मांगा, अरे मामलो गड़बड़ हो गयो अब तो. अबे पार्वती जी तो खड़ी खड़ी अपने अंगुली के नखून को चबा रहा है. अबे वो क्या कहे गुरु भगवान शिव किस कंडीशन में खड़े हैं वहां, मैंने कब मांगा, ऊपर तो देखा ही नहीं, अभी वो रोटी देख रहा है. तो भगवान शिव कहते हैं कि मैं जब भी प्रकट होता हूं तो कुछ से कुछ दे के जाता हूं, इसलिए कुछ से कुछ मांग ले. तो वो योगी कहता है देना ही है तो यही देव यहां से चले जाओ. वाह भाई वाह, ऐसे योगी होते हैं. अब हम मस्त भया राम रस पी के राम रस पी मोये लगे दुनिया का सभी रस पी के
मस्त भया अब राम रस पी के राम रस पी के लगे दुनिया के सभी रस पी के। जो योगी होता है सब कुछ त्याग देता है तब काहे कि ये घर है प्रेम का ख्याली का घर नाय शीश उतार चरण धरे पौसे घर के माय कायर मन माने संकारे प्रेम का मार्ग बंकारे सूरा देवे शीश अर्पण जाकारे। तो काहे कि अमर हो जिसको खाने से मिठाई हो तो ऐसी हो और फटा दे मन विषयों से खटाई हो तो ऐसी हो। तो महापुरुषों के जो वचन योग जो है वो उस वियोग को हटा करके आत्मा परमात्मा में जोड़ देता है। तो शिव जो है सर्वोपरि शिव है, शिव ही इस पूरी सृष्टि की रचना करने वाला है। इसीलिए शिव एक ही भगवान है जिसको हम कहते हैं महादेव, और किसी भगवान का नाम नहीं लगता है, महादेव शिव का ही लगता है। वही सर्जन सर्जनहारा और विसर्जन करना शिव का ही काम है। इसीलिए शिव सभी के अंदर है, हमारी आत्मा ही शिव है। हम जो है जीव जो है ये पानी की बूंद है और वो बूंद समुद्र में चली जाती है, समुद्र शिव है। तो जीव उस आत्मा रूपी शिव में मिल जाता है भजन करने से, अच्छा काम करने से। लोग कहते हैं मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, ये नारा हमारा नहीं लिखा हुआ है, ये नारा कोई दूसरे लोगों का बेधर्मियों का हमारे धर्म के अंदर नहीं है, क्योंकि वो मांस खाते हैं। इसीलिए कहा कि मानव की सेवा बड़ी है तो दूसरे जानवरों की सेवा नहीं करना चाहिए। हमारा तो नारा ये होता है कि विश्व प्राणी मेरी आत्मा है, विश्व प्राणी मेरी आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है, सब एक है। भाई देखो हिंदुस्तान में कई निराली चीजें होती हैं, बहुत निराली चीजें होती हैं, पहले भी था थोड़ा, 46 बरस पहले पर इतना नहीं था। अब तो कहते हैं कि आपके दो से ज्यादा बच्चे नहीं हो तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, और अभी तो कहते हैं एक ही हो। देखो मैं बात बता रहा हूं आपको, वो बड़ी मार्के की बात है। देखिए कि भगवान राम का क्या कहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर। तो ये कुल क्या होता है भाई, मैंने समझाओ नहीं, मैं तो भूल गया। रघुकुल ये कुल क्या होता है, कोई बताओ भाई, कुल किसको कहते हैं, वंश, क्यों वंश, यानी आप किसकी संतान हो, आपकी गावरी जात कौन सी है, आप किस ऋषि की संतान हो, कुल है ना, सही बात है। ये किस राजा का महल है, कुल। अब भाई देखो कि भगवान करे किसी के साथ ऐसा नहीं हो, लेकिन एक ही संतान है और वो एक्सीडेंट कर होकर के खत्म हो गया तो आपका तो कुल खत्म। अब आप तो क्या, एक बच्चा हुआ एक लड़की हुई और आपने तो अपना मामला खत्म कर दिया है, वो क्या कहते फैमिली पर परिवार नियोजन। अब क्या है, अब कितने कोशिश करो रो खूब, आपकी अब संतान होने वाली नहीं है और आपका मैल माड़िया सब धन कन संपत्ति सब गई, तो कुल तो खत्म हो गए ना भाई। आपका कुल की रक्षा करो, नौकरी की चिंता मत करो।
और जो हमारे शाकाहारी हैं, जो धर्म की रक्षा करने वाले हैं, जो सनातनी हैं, उनको तो तुम कम करना चाहते हो, धीरे धीरे बीज खत्म कर रहे हो, यही तो है ना मौका, मौका चौका है कि ऐसा करो कि इंजेक्शन दे दो, बंदी कर दो, नसबंदी, और भाजा कोई बीज आवे नहीं, कोई जावे, निर्बीज हो गया। पहले बाजरा होता था ना, उस बाजरे को कहते थे संकर बाजरा, क्योंकि वो वर्ण संकर बाजरा है, पर वो वर्ण तो कहते तो कोई हिंदू के लेते ही नहीं है। तो नारा कहते कि हम दो हमारे दो, वो नारो खराब है, ये मत क्या करो, ये नारा लगाओ कि माता पिता एक, संतान अनेक, वंश बचाओ। क्या आपके गाड़ी के पीछे लिखो माता पिता एक, संतान अनेक, वंश बचाओ, नहीं तो जो हमारे हमारे इस भारत की जनता जो है, ये धीरे धीरे ये वंश खत्म हो जाएगा। इसलिए वंश द्रोही नहीं होना है, नहीं तो हमारे पितृ लोक के अंदर हमारे पितृ वो क्या कहेंगे। जब भगवान राम ने रावण का वध किया तो रावण आकाशवाणी में कहता कि हे राम, तेरे जैसा पुत्र पा करके मैं धन्य हो गया, मेरे पीढ़ी पीढ़ी के सभी का कल्याण हो गया। इसलिए अपने बच्चों को मत सिखाना ये नारा, ये हम दो हमारे दो, ये मत सिखाना बेटा। कभी जिसके एक्सीडेंट हो गया तो खत्म, तुम्हारा करा कुरा ही खत्म। इसलिए अपने गाड़ी पे लिख के रखो आप दो चीजें, पहला तो माता पिता एक, संतान अनेक, वंश बचाओ, और दूसरा आप ये ग्रह गोचरों से डरो मत। जंतर मंतर तंत्र होता ना, इसे डरना मत कभी, ये तो आप लोग आपके अंदर में भय डाल देते। इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि जादू जंत्र क्या कहता टोना है, जंतर मंत्र जादू टोना, और गुरु भक्त के कुछ नहीं होना। जंतर मंत्र जादू टोना, गुरु भक्त के कुछ नहीं होना, निर्भय हो जाओ। ये जो है नहीं कि टोटका करा वाला है नहीं कि ये ग्रह लग जाएगा वो लग जाएगा, ये सब कुछ नहीं लगता है। जो कहता है कि मैं तेरे को खत्म कर दूंगा तो बोलो करो भाई मैंने खत्म अभी। ये तो साइकोलॉजिकल हमें कमजोर कर देते हैं। तो माता पिता एक, संतान अनेक, वंश बचाओ, जंतर मंत्र जादू टोना, और गुरु भक्त के कुछ नहीं होना। भारत माता की, भारत के ऋषि मुनियों की, सतगुरुदेव की, हमारे आज के जितने भी कलाकार गायक, इन्होंने इतना आनंद की वर्षा करी, इसके लिए इनको आशीर्वाद है, धन्यवाद है। भगवान इनको निरोग रखे और इनके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भजन गा करके खुश करें। और हमारे नरेंद्र भाई, इनको बहुत बहुत साधुवाद, और दामोदर इनका भाई, बहुत ही पूरा परिवार एक ऋषि मुनियों की तरह परिवार है, तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद। आ भाई नरेंद्र, तले आशीर्वाद दे दूं। बोल सतगुरुदेव की। ले प्रमोद भी जाना है। ले प्रमोद आ जा, तू ही कहाँ गया।
दीप नारायण भगवान की, देवेश्वर महादेव की, माधव कृष्ण भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। आप सभी को पूज्य श्री गुरुदेव का शुभ आशीर्वाद। आप निरोग रहे, दीर्घायु हो, आपके घर में, आपके मोहल्ले में सुख शांति रहे, आपके बाल बच्चे सुखी रहे, उनको विद्या दान दो और प्रभु का भजन करो। मेरी यही पूज्य श्री गुरुदेव से प्रार्थना है कि हर प्रकार से आप निरोग और सुखी रहो। यही आशीर्वाद के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ और पूज्य श्री गुरुदेव को बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निराम, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कच्च दुःखभाग्। ओम शांति शांति शांति। ओ माता पिता, माता पिता, संतान, वंश, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जादू जंतर मंतर जादू टोना, जंतर मंतर जादू टोना, जंतर मंतर जादू टोना, जादू मंत्र जंतर टोना से फंद में मत पड़ना। अच्छा करोगे अच्छा ही होगा। हरिओम। बोलो सतगुरु भगवान की, महेश्वरानंद जी महाराज की।